अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलो गाइस, आज हम बनाते हैं सिर्फ दो आलू से बहुत ही बेहतरीन चटपटा सा नाश्ता, जो कि चाय के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। तो चलो बनाना शुरू करते हैं, फटाफट से चलते हैं किचन। तो गाइस, हम आ गए किचन में। तो देखो, दो आलू ली हूँ, दो आलू से ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। इसको हम अच्छे से छील के इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करी हूँ, देखो यानी कद्दूकस करी हूँ। तो इसको हम अच्छे से धोऊंगी, तो इसको हम पानी में दो तीन बार धोऊंगी ताकि इसका एकदम स्टार्च निकल जाए। इसको धो के इसे छन्नी के ऊपर रख देना ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। अभी इसको पानी और हम धोएंगे, यानी एक बार और धुलेंगे ताकि खूब अच्छे से साफ़ हो जाए, एकदम इसमें कोई गंदगी ना रहे। तो इसको खूब अच्छे से धो लेना है। देखो, इसको ऐसे हम इस पानी डाल देना एक बार और इसको इसे छन्नी पर निकाल के हम रख दूँगी। अगर आपके पास छन्नी ना हो तो इसको आप इसे दबा दबा के पानी इसका निकाल लेना, उसके बाद ये इसका सारा पानी निकल जाएगा। वो छन्नी में रखने के बाद इसको इसे टेढ़ा कर दे ताकि इसमें सारा पानी निकल जाए। तब इसको रख देते हैं, ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा यानी सूख जाएगा इसमें पानी। उसके बाद चलते हैं हम सब चीज़, इसका सारे सामान हम कटिंग कर दे, धनिया मिर्ची जो चीज़ इसमें डालना है तो सारी चीज़ हम काट के रख ली हूँ। तो चलो हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो लिए एक बाउल, उसी में इसको हम जो आलू क्रश करके रखी हूँ यानी घिस के रखी हूँ, उसको इसमें डाल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें हम कुछ सामान मिलाएंगे। तो सबसे पहले मिला दे रहे हैं 2 चम्मच भर के बेसन। आप चाहें तो बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं या आरा रोट डाल सकते हैं। और उसके बाद डालेंगे चावल का आटा 2 चम्मच। चावल का आटा डाल दें, इसे क्या होगा एकदम क्रंची क्रंची रहेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा। और एक आधा चम्मच डाल दे रहे हैं गरम मसाला और 1/4 चम्मच डाल दे रहे हैं हींग, ताकि इसमें बेसन है तो इसलिए इसमें हींग डालना ज़रूरी है। और ये डाल दे रहे हैं अजवाइन 1/2 चम्मच, इसको भी क्रश करके डाल दे रहे हैं हाथ से थोड़ा। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम अदरक ग्रेट करी हुई, देखो रखें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, वह थोड़े डालेंगे। इसको से कद्दूकस कर लेती है और 2 हरी मिर्च डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा कम कीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। ये सब चीज़ें चली गई। उसके बाद डाल दें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और 1/4 चम्मच डाल दें लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाल दें जीरा और 1/4 चम्मच डाल दें हल्दी पाउडर, ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए इसका। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें हम, बस ऐसे ही इसको मिला लेना है। तो देखो, इसको हम मिला लिए, ऐसे इसके हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। देखो, ऐसे इसको हाथ पैसे से मसलेंगे, उसके बाद थोड़े से हाथ से दबा देंगे, इसे चौकोर शेप इसको दे देंगे हम। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं, यानी किसी तरह से बना सकते हैं, किसी डिज़ाइन के बना सकते हैं। यार सर्दियों में तो खाने का मज़ा ही आता है, पछे भी तो नए नए आलू आ रहे और अच्छे से खाने भी मज़ा आता है। गर्मा गर्म बनाओ और चाय के साथ या चटनी या सॉस के साथ खाओ, बहुत ही मज़े आते हैं खाने में। ज़्यादा कोई इसमें झंझट भी नहीं है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। तो देखो, सारे नाश्ते को हम बना के रेडी कर दी हूँ। तो चलो अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट से, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। देखो, बन गए सारे नाश्ते, अब इसको फ्राई करने चल रहे हैं। तो गैस पर रख दिए फ्राई पैन, अगर जला देंगे, आप चाहे कढ़ाई में बना सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, आप चाहे तो सरसों का तेल भी बना सकते हैं। तो इसमें हम तेल डाल दिए, इतना तेल डालना है कि अच्छे से नाश्ता फ्राई हो जाए, यानी थोड़ा सा अंदर डूब जाए, ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं हम तेल। जब तेल गर्म होगा एकदम, धुएँ वाला तेल नहीं गर्म करना, बस हल्का गर्म करना, नहीं तो फटाफट से जल जाएगा, क्योंकि इसको धीमी गैस से पकाना है। इसमें थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स ऊपर से चिपका दिए हैं, तेल में चिपका दिया, इसको ऐसे हम डाल दे रहे हैं हाथ से थोड़े से सही से करके। तो गाइस, हमारी वीडियो कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखो, सारे नाश्ते को हम इसमें डाल दें और इसको हम धीमी गैस पर पकाएँगे यानी मीडियम, ताकि अच्छे से ये एकदम बढ़िया करारा बने। इसको अलटते पलटते पकाना हमें, अब एक साइड से इसको जो पक जाएगा तो दूसरे साइड से हम चेंज कर देंगे, देखो इसको साइड से चेंज कर दे रहे हैं, देखो इसको इसे पलट दे रहे हैं दूसरे साइड से। अब इसको इस साइड से पकने के देंगे, जब ये इधर से पक जाएगा तब इसको हम फिर से पलटेंगे, थोड़ा 2-3 बार इसको अलट पलट देंगे, ताकि अच्छे से एकदम ये ब्राउन ब्राउन हो जाए, एकदम अच्छे से कलर आ जाए। देखो, एकदम बढ़िया कलर आ गया ना, लड़ते पलटते हुए इसको हम पकाई हूँ। अब इसको हम निकालेंगे, थोड़ा और पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद लिए हैं 1 छन्नी, इसी में हम निकाल ले रहे हैं ताकि सारा तेल इसमें निकल जाए। ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दो ताकि तेल इसमें एक भी ना जाए।
तब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन नाश्ता बनके रेडी हो गया है। इसको बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये खाने में। एकदम कुरकुरा यानी करारा बनता है ये, बहुत मस्त लगता है। तो एक बार आप हमारे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा आपका नाश्ता। देखो सारे नाश्ते हमारे रेडी हो गए थे। इसको हम टमाटो केचप के साथ सर्व करी हूँ। आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं या चटनी के साथ खा सकते हैं। हरी धनिया की चटनी बनाओ, मज़े से खाओ फटाफट। वाह माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। तो चलो एक खा के हम बताते हैं आपको कैसे लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप कब बना रहे हो ठंडियों में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका नाश्ता कैसे बना, अच्छा बना या नहीं। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक यू, दुआओं में याद रखना।